आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। जब हम आपको इस वीडियो में मनरेगा मेट जॉब के बारे में जानकारियां देने वाले हैं। आप लोगों ने मुझसे पूछा हुआ था पिछली वीडियो में, जब मैंने आपको बताया हुआ था मनरेगा मेट के बारे में, तो आप लोगों ने बोला था कि मैम कैसे अप्लाई करें, हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वह है ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं है। तो जो ऑफलाइन की प्रोसेस है वो क्या है, वही आज इस वीडियो में हम आपको बताएँगे। कैसे आप आवेदन करेंगे, दस्तावेज़ क्या क्या लगेंगे आपको, और क्या प्रक्रिया है, सारी डिटेल के साथ इस वीडियो में मिलेगी आपको। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों के पास वीडियो को शेयर करें। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि बहुत सारे लोगों ने पूछा हुआ था, तो नरेगा मेट के बारे में मैंने बताया हुआ था, मनरेगा मेट के बारे, भर्ती के बारे में मैंने काफ़ी वीडियोस आप लोगों को दी हुई हैं। आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने पूछा हुआ था कि मैम कैसे इसमें भर्तियाँ होंगी, कैसे आवेदन करेंगे, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि मैंने अलग से वीडियो इसमें लानी है, तो अलग से वीडियो मैंने ला दी है, ये देखिए। और इसमें मैंने बताया हुआ है सारी डिटेल कि मनरेगा मेट कैसे बने, और पंजीयन फॉर्म आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और ये 12 जून की अपडेट है 2021 की। चलिए हम देख लेते हैं पूरी डिटेल सहित। चलिए पहले देख लेते हैं कि मनरेगा मेट होता क्या है। महात्मा गांधी नरेगा योजना में नरेगा लेबर के लिए मेट का एक पद होता है, और लेबर से ज़्यादा मेट की दिहाड़ी होती है, ठीक है। और नरेगा मेट को कार्य नहीं करना होता है, नरेगा मेट सिर्फ नरेगा मजदूरों की हाजिरी लगाता है, वह कार्य का रिकॉर्ड लिखता है, और इसके अलावा अन्य लेबर को मेंटेन करने का कार्य भी करना होता है उसे, ठीक है। बाकी हाजिरी लगती है जैसे कि मैंने आपको बताया, ये देख लीजिए, और रिकॉर्ड लिखना होता है, मेंटेन करना होता है। नरेगा मेट की सैलरी नरेगा मजदूरों से ज़्यादा होती है, जबकि मेट को नरेगा में कोई भी कार्य करना नहीं होता, जैसे खादान आदि नहीं खदने होते हैं। ओके, चलिए देखते हैं सैलरी क्या है इसकी। पहले ये देखिए, भारत सरकार ने मनरेगा मजदूर की दिहाड़ी के साथ कुछ पैसा नरेगा मेट की सैलरी में भी किया है। इसके पहले नरेगा मजदूरों को 183 रुपये के हिसाब से पैसे मिलते थे, पर सरकार ने नरेगा मजदूरों को पेमेंट बढ़ाकर 202 रुपये कर दिया है। नरेगा मेट को भी मजदूरों के पेमेंट से ज़्यादा वेतन मिलता है, जो बहुत ज़्यादा तो नहीं होता, पर प्रतिदिन के हिसाब से कुछ पैसे ज़्यादा मिलते हैं। नरेगा मेट कैसे बने और नरेगा मेट क्या होता है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए शुरू की गई नरेगा जॉब कार्ड योजना। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार मजदूरों को 100 दिन का रोजगार हर एक वर्ष में दिया जाता है। इन मजदूरों का कार्य, हाजिरी व अन्य जानकारी, रिकॉर्ड आदि के लिए 40 मजदूर पर एक सुपरवाइजर होता है, जिसे मेट कहा जाता है, ठीक है। यानी कि 40 मजदूर पर एक सुपरवाइजर, उसको कहते हैं, उसी को मेट कहते हैं, उस सुपरवाइजर को, जो कि जो मजदूर होते हैं उनकी हाजिरी हर रोज़ लगाता है और उनका रिकॉर्ड रखता है, और रजिस्टर जो होता है उसको मेंटेन करता है। और इसीलिए मनरेगा मेट को मजदूरों से ज़्यादा दिहाड़ी दी जाती है। आज के इस मतलब जानकारी आपको दी जाएगी। चलिए देख लेते हैं, हम आपको ये भी बताएंगे इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे आपको, ठीक है। डॉक्यूमेंट के बारे में पूरी डिटेल बताएंगे, दस्तावेज सब कुछ। चलिए देख लेते हैं पात्रता भी। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये PM योजना के तहत है, ठीक है। ये जो है नरेगा वेबसाइट, इसका नाम है narega.nic.in, ये वेबसाइट है, आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। और अपडेट 2021 की है, ये भी देख लीजिए, ऑल इंडिया नरेगा मेट, ठीक है, PM योजना, ये भी देख सकते हैं। नरेगा मेट के लिए पात्रता क्या होती है, अगर आप 10वीं पास हैं तो आसानी से आप नरेगा मेट बन सकते हैं। नरेगा मेट के लिए एजुकेशन की आवश्यकता होती है, जिसमें कोई भी, जैसे 8 क्लास वाले भी अगर बोर्ड के एग्ज़ाम दिए हैं तो नरेगा में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी देखते हैं, और बाकी देख लेते हैं, मेट के लिए 10th तक एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए। बाकी मेट सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र का नागरिक होना चाहिए, और नरेगा मेट के लिए आपको आपके ग्राम पंचायत में बनाया जाएगा, और मेट बनने के लिए आपके पास 40 नरेगा मजदूरों की लेबर होनी चाहिए, और आपकी जॉब कार्ड बना होना चाहिए, अन्य कोई रोज़गार नहीं होना चाहिए।
अन्य इन नियमों के साथ मेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये नियम आप इन नियमों का पालन करते ध्यान रखते हुए आप आवेदन कर सकते हैं। नेट बनने के फ़ायदे चलिए देखते हैं, चलिए देख लेते हैं कि नरेगा मेट बनने के फ़ायदे क्या हैं। नरेगा मेट बनने के आपको एक अच्छा रोज़गार मिल सकता है जिसमें आपको कोई भी एग्ज़ाम या इंटरव्यू देने की आवश्यकता नहीं है, और इस रोज़गार के साथ आप कोई भी अन्य रोज़गार कर सकते हैं। जैसे आपको अपने गांव में नरेगा की हाजिरी लगाने के बाद अगर कोई अन्य कार्य करना होता है तो आप कर सकते हैं। अपने घर में कोई कार्य करना हो वो भी कर सकते हैं, किसी दुकान आदि का कार्य कर सकते हैं। इसमें आपको आपके गांव के अलावा आदि कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी यहाँ पर और भी चीज़ें देख लीजिए, बिना किसी एग्ज़ाम के रोज़गार मिलना, इस रोज़ देख सकते हैं ये, बिना किसी एग्ज़ाम के इस रोज़गार के साथ अन्य भी रोज़गार कर सकते हैं। नरेगा के समय मेट व अन्य उसके बाद अन्य रोज़गार कर सकते हैं। डबल इनकम करने के बहुत से तरीके मिल जाते हैं। नरेगा मेट मिलने के यानी कि नरेगा मेट के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे अब ये हम देखेंगे। ठीक है, नरेगा मेट के लिए डॉक्यूमेंट आवश्यक दस्तावेज चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो आपका लगेगा यहाँ पर आवेदनकर्ता का आधार कार्ड, जॉब कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, फ़ोटो, आवेदन फॉर्म, शपथ पत्र, स्टाम्प होना चाहिए, स्टाम्प पेपर जिसे कहते हैं, आवेदन फॉर्म जो ग्राम सेवक व पंचायत में उपलब्ध हो, और नरेगा मेट पंजीयन फॉर्म। ठीक है, बाकी नरेगा मेट नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव। नरेगा मेट महात्मा गांधी नरेगा रोजगार योजना में मेट सुपरवाइजर चयन प्रक्रिया में इन्हें प्राथमिकता दी जाती है। जैसे कि अगर देख लेते हैं, जैसे इन्हें प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी जो इसमें से, जैसे कि देख लीजिए, एकल महिला हो, विकलांग हो, SC/ST के सदस्य हैं, OBC हैं, सामान्य वर्ग हैं। उपलब्धता के अनुसार कम से कम 50% महिलाओं का चयन किया जाएगा। इस श्रेणी में महिला उपलब्ध नहीं होने पर अन्य श्रेणी में रखकर 50% कोटा पूरा किया जाएगा। ओके, अप्लाई कैसे कर सकते हैं चलिए देखते हैं। अगर आप यहाँ पर देख लीजिए, साफ साफ लिखा है, अगर आप नरेगा सुपरवाइजर बनना चाहते हैं तो आपको बता दें कि आपकी अपने ग्राम पंचायत में जाना है जहाँ से आपको ग्राम सेवक या फिर पंचायत समिति से मेट के लिए आवेदन फॉर्म लेना होगा। ओके, आपको आपके ग्राम सेवक या फिर पंचायत समिति से मेट के लिए आवेदन फॉर्म लेना है, जिससे आपको सभी आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन फॉर्म को पूरा भरकर अपने ग्राम पंचायत या पंचायत समिति में जमा करवाना है। इसके बाद आपको एक मिस्टोल की आवश्यकता होती है, जो आपको अपनी लेबर की एक लिस्ट तैयार करनी है, यानी आपको 40 जॉब कार्ड चाहिए, जिसके बाद उन 40 मजदूर का मिस्टोल आपको मिल जाता है और आपको रोज़गार शुरू हो जाता है। इसके लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा, जो आप अपने ग्राम पंचायत में कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऑनलाइन आवेदन नहीं है इसका, ऑफलाइन आवेदन है, ऑनलाइन नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, बाकी यहाँ पर कुछ सवाल है ये देख लीजिए, नरेगा मेट का वेतन देख लीजिए। नरेगा मेट को प्रतिदिन के हिसाब से 202 रुपये की दिहाड़ी मिलती है, जो नरेगा मेट मजदूर के बराबर होती है, यानी एक वर्ष में 20,200 का वेतन मिलता है उसे। और नरेगा मेट का कार्यकाल कितना होता है, मेट जब तक चाहे कार्य कर सकता है, इसकी कोई कार्यकाल नहीं है। मेट बनने के लिए आवेदन कब करें, और नरेगा मेट आवेदन करने की कोई तय सीमा नहीं है, इसके लिए आप अपने क्षेत्र में जब आपके यहाँ नरेगा कार्य शुरू होने वाला हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लिया आपने, मैंने आपको पूरी डिटेल यहाँ पर दे दी। अगर कोई जानकारी और चाहते हैं, नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं कमेंट करके। वीडियो पसंद आई हो, जानकारी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो एक लाइक करना, चैनल पर नया सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।